करते हैं जहां पे कल आने वाले हैं दिग्गज रिलायंस के नतीजे। और आइए अब बात करते हैं कि क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है स्ट्रीट का कि किस तरीके के नतीजे आएंगे, कौन सी कमेंट्री पे खास तौर से नजर रखनी है, आइए ये भी जानते हैं। ये सब पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं रिलायंस से इस बार? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है, कोई बिग बैंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है एनालिस्ट कम्युनिटी को। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा करीब 4.5% से बढ़ सकता है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, मार्जिन जो है 16.6% के आसपास आ सकता है और जो नेट प्रॉफिट का नंबर होगा वो करीब 6% हायर हो सकता है पिछले क्वार्टर से। अब अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो O2C सेगमेंट जो है वही सेगमेंट ग्रोथ लीड करने वाला है क्योंकि उसी सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है करीब 9% का ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग मार्जिन स्टडी थे और पेट्रोकेमिकल मार्जिन भी इंप्रूव हुए थे। अब पेट्रोकेमिकल मार्जिन इसलिए भी इंप्रूव हुए थे क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट था फोर्थ क्वार्टर में वो थोड़ा लोअर साइड पे था। अब गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहां पे करीब 4% का एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने को मिलेगा क्योंकि प्राइसेस जो थे ऑन सिक्वेंशियल बेसिस प्रीटी मच स्टेबल रहे हैं। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे जितना भी ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू में करीब 3% का और एबिटा फ्रंट पे करीब 4% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस और ये प्योरली स्टोर एडिशंस के दम पे और ऑपरेटिंग लेवरेज के दम पे हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट जो है वो ग्रोथ लीड करने वाला है फोर्थ क्वार्टर FY23 में। ऑयल टू केमिकल ये ग्रोथ को लीड करेगा, लेकिन सुमित रिलायंस जियो को चूंकि हम अलग से देखते हैं और कंपनी टैरिफ बढ़ाने की कोशिशें करती रही है, ARPU बढ़ाने का उनका लक्ष्य रहा है, लेकिन ये बताइए कि नतीजों से क्या उम्मीदें हैं, इस बार नंबर्स कैसे आ रहे हैं इसके? रिलायंस जो कि टेलीकॉम आम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उससे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से बढ़ेगा, एबिटा ग्रोथ भी करीब 2% के आसपास होगा और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लार्जली फ्लैट रहेगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। इनफैक्ट जो कंपनी की एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ होगी वो स्लोएस्ट एवर होगी लिस्टिंग से लेके अब तक। ARPU जो कि की नंबर है कोई भी टेलीकॉम कंपनी के लिए वो करीब 179 रुपीज़ के आसपास आ सकता है और सब्सक्राइबर बेस जो है वो ग्रो होकर करीब 43.9 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट कम्युनिटी की। अब जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है करीब 2% का रेवेन्यू फ्रंट पे और 2% का एबिटा फ्रंट पे वो प्योरली सब्सक्राइबर एडिशन के दम पे देखने मिल रहा है। और ये जो लोअर ग्रोथ इसलिए हो रही है कंपनी में क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई भी टैरिफ हाइक नहीं हुआ था, तो कोई मेजर रीजन एज सच नहीं है बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट करने का रिलायंस जियो से। और उसी के साथ कॉस्ट फ्रंट पे थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए रहेंगे कंपनी के लिए क्योंकि 5G लॉन्च करने के बाद थोड़े एक्सपेंसेस शूट अप हो चुके हैं कंपनी के लिए। अब नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट हायर साइड पे होने की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि स्पेक्ट्रम कॉस्ट जो है वो फैक्टर इन हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की बढ़ चुकी होगी। अब ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले कि नेट डेट लेवल्स कहाँ पे पहुँच रहे हैं रिलायंस के। पहले ये नेट डेट फ्री था, अब ये नेट डेट जो है कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स जो कर रही है कंपनी रिटेल और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स में उसका क्या आउटलुक है, उस पर अपडेट लेना इंपॉर्टेंट होगा। जियो फाइनेंशियल्स का जो डीमर्जर है उस पर क्या अब तक अपडेट हो चुका है, क्या नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कंपनी में उसकी तरफ से, वो भी ट्रैक करना होगा। और जो भी एक्विजिशन कंपनी ने किए हैं फोर्थ क्वार्टर में उसके बारे में क्या कंपनी के प्लान से आगे चलते वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। और टेलीकॉम बिजनेस में ARPU ट्रेजेक्ट्री कैसा रहा है, 5G मोनेटाइजेशन प्लान क्या है आगे चल के और 5G में कैसा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, कितने यूजर एडिशन हुए हैं कंपनी के, ये सब ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। एक छोटी सी जानकारी और दे दी दर्शकों को, अगर हम रिलायंस की आय की बात करें उसमें जियो का हिस्सा कितना है और ओवरऑल हम क्या माने कि बहुत एक्साइटिंग इस बार रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? यस, ओवरऑल इतने कुछ एक्साइटिंग रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज से क्योंकि सिक्वेंशियल बेसिस पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है कोई भी बिजनेस के लिए। O2C सेगमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है इसलिए सबसे हाईएस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट अगर हम देखें तो कॉन्ट्रीब्यूशन जियो बिजनेस का जो SOTP में आता है वो करीब 21% का है। मतलब अगर 100 रुपये का पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा तो उसमें से 21 रुपया जियो को असाइन करते हैं एनालिस्ट, पर सबसे बड़ा हिस्सा आता जाता है रिटेल डिवीजन को आज के टाइम पे। करीब 35% का पूरा हिस्सा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है वो रिटेल बिजनेस को वैल्यू करती है एनालिस्ट आज के टाइम पे। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो रिलायंस बहुत तोड़फोड़ नतीजे नहीं आएंगे, O2C जो सेगमेंट है ऑयल टू केमिकल वो ग्रोथ को लीड करेगा, टेलीकॉम से थोड़ी सी कमजोरी के आसार हैं, वहाँ पर बहुत ही म्यूटेड परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि शेयर जो है 2200 रुपये के नीचे गया था, वहाँ से संभल के अब 2350 रुपये के आसपास है। राहुल, नतीजों से पहले आपकी तरफ से क्या सलाह होगी निवेशकों को ये बताइए, और अगर किसी को अपने स्टॉप लॉसेस लगा कर रखने हो किसी झटके से बचने के लिए तो वो कहाँ पर होगा?
अभिषेक सॉरी थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है, कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं आप? रिलायंस के बारे में पूछ रहे थे राहुल आपसे। अच्छा, अगर नतीजों से पहले किसी को मान लीजिए स्टॉप लॉस लगा के रखना हो, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे आने की उम्मीद नहीं है, कहीं कोई सरप्राइज कहीं कोई निराशा आ जाती है, तो स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखें? देखिए अभिषेक, रिलायंस के अंदर जो अभी हमने रीसेंट में जो एक गिरावट आती हुई देखी थी, वहां पे हमने पाया था कि स्टॉक ने 2200 के लेवल्स पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया था, बट अभी क्योंकि ये 2340 के आसपास काम कर रहा है, जो इमीडिएट बेसिस पे इसके जो बड़े सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो है 2300 के लेवल्स पे, और सेकेंड बड़ा सपोर्ट है 2200 के लेवल्स पे। तो अगर अगर रिलायंस के अगर नतीजे अगर एक्सपेक्टेशन से काफी खराब आते हैं या फिर एक एक इस टाइप का माहौल बनता है मार्केट के अंदर, क्योंकि काफी बड़ा इंडेक्स पार्टिसिपेट भी है, तो मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली स्टॉक को आप 2300 के लेवल्स के स्टॉप लॉस को लेके चले। अगर 2300 का लेवल ब्रीच होता है तो मेरा मानना है कि यहां पे आपको गिरावट दोबारा स्टॉक आपको 2200 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो 2300 का स्टॉप लॉस रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा के चलना है। डेफिनेटली लंबी अवधि में तो सभी एनालिस्ट इसको बाय रिकमेंडेशन देते हैं, पर मुझे याद है तीसरी तिमाही के बाद भी ये स्टॉक में